आपका नाम बोलिए। आई एम अनोज राय। कहाँ से आप आए हैं? सिक्किम गैंगटॉक से। ये आज यहाँ पे जो आप एंग्लिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो ये क्या आपका अरुणाचल में पहली बार आया? हाँ, दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप कैसे आना हुआ कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए? एक्चुअली फेसबुक में एक मेरा फ्रेंड है यहाँ का, निगा करके, एक्चुअली उससे कभी भी कन्वर्सेशन तो नहीं था हमारा, लेकिन मतलब फेसबुक में फ्रेंड था, पोस्ट देखता था, और वो भी मैं भी फिशिंग इंथुसियास्ट एंगलिंग, और वो भी, और उसने एक मतलब पोस्टर डाला था कि मतलब हो रहा है, इसलिए हम सोचा हम भी इंटरेस्टेड है, चलो अरुणाचल भी देखेंगे एक बार, फिर फिश भी करके आएंगे, इसीलिए हम कल गैंगटॉक से चला था और आज आ गए। सागाली में तो सागाली पहली बार आया? हाँ, अरुणाचल सेकंड टाइम है, लेकिन सागाली फर्स्ट टाइम है मेरा। हाँ जी जी जी। तो अभी तक अभी कहाँ का आप जाके ये पार्टिसिपेट कर चुका है, कहाँ का आप एंगलर कर चुका है? एक्चुअली पार्टिसिपेशन ऐसा टूर्नामेंट तो पहली बार है मेरा, लेकिन मैंने उत्तराखंड पंचेश्वर में जाके भी मतलब गोल्डन मास से वहाँ से भी मतलब वहाँ पे भी किया है फिशिंग एंगलिंग। मेन तो वही गैंगटॉक में हम सिक्किम में खेलते हैं टिस्टा रिवर, रंगीत रिवर, एंड हाई अल्टीट्यूड में जो ट्राउट होता है, ब्राउन ट्राउट हमारे यहाँ मिलता है सिक्किम में हाई अल्टीट्यूड में, वो करते हैं साल में, वो तो मतलब महीने में एक बार जाते ही है ऐसे। कितना केजी का आप कैच किया हुआ आपका? शायद 6.5, दैट वाज इन पंचेश्वर, वही गोल्डन मासी था ऐसा है। तो आज यहाँ पे सगाली में आया तो क्या होप करता है कि यहाँ पे आप कितना कॉप करते हैं? हम सोच रहे हैं कि अब पहले तो हमको ये रिवर का आइडिया नहीं था, हम तो सोचा था बड़ा रिवर है, ठीक है, लेकिन छोटा है, लेकिन देखने से लगता है कि मछली है यहाँ पे, मतलब फिशेस है, हम सोचा है शायद मतलब टप हो जाएंगे ऐसे जितने ही कोशिश करेंगे, मतलब 10-12 केजी का शायद पकड़ लेंगे, होगा तो अगर फिशेस होगा तो देखेंगे, ट्राई करेंगे। कैसे यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा एक्चुअली, मतलब जो भी टोपोग्राफी कल तो सिक्किम जैसे ही है, मोटा मोटी सिक्किम ही है, क्योंकि हमारा भी हिली एरिया है और ये भी हिली एरिया है, अच्छा लगा। लेकिन हमको जब भी पहले तावंग गया था हम, मतलब ऐसा फिशिंग के लिए नहीं, ऐसा टूर के लिए, और उस वक्त भी अच्छा लगा था, और यहाँ पे तो और अच्छा लगा आके, क्योंकि हम अपना पैशन के लिए आए अभी तो, है ना, अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।